So now let us discuss parallelogram law of vector addition. ठीक है, तो parallelogram law of vector addition जो है basically ये triangle law of vector addition ही है, लेकिन बस उसका एक दूसरा statement है. It is a different way of stating triangle law of vector addition. ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे. तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. Let us see how. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो आप क्या करो, आप टेल से टेल मिला दो. आप क्या कर दो, पहले आपने क्या लिया, ट्रायंगल लॉ में साइड से क्या मिला जाता, टेल. अब क्या मिला, ओके दोनों को मिक्सर बांधो. ठीक है, तो इसको इसके पैटर्न शिफ्ट कर दो यहां ले आओ. तो वहां लेके गए, तो ये देखो, ये रहा ए वेक्टर, उसको पैटर्न शिफ्ट किया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर. अब वो कह रहा है कि इन दोनों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मान लो, इन दोनों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मान लो. मानने के बाद एक पैरेललोग्राम बनाओ. ये बताओ कैसे बनाओगे, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन, बन गया. तो वो कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वो होगा इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि दोनों के टेल से पास होता है. क्योंकि एक पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, दो होते हैं. तो दो में से वो वाला डायगोनल जो कि दोनों के टेल के इंटरसेक्शन से पास होता है, वो वाला डायगोनल होगा रिजल्टेंट. तो अब आप मुझे बताओ, कुछ दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है. क्योंकि ये बी वेक्टर यहाँ डाल दो, तो दिस आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, एंड द रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. यानी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों क्या है, सेम है. समझ में आप लोगों को? तो लेकिन ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये अपने बहुत काम का है. ज्यादातर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करने वाले हैं, और पूरा एक चैप्टर इसी पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन. अच्छा आप मुझे बताओ, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी? सर इधर है. अगर इधर है तो क्या इधर नहीं है, है ना? क्या बोलते हैं इसको, तो ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा. बीटा किधर है, बीटा तो उधर ही है, इधर पहले था. बीटा मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, बीटा. मिल गया बीटा, राइट. अच्छा बताओ इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा, उतना ही आएगा. तो दोनों सेम है तो रिजल्टेंट अलग आएगा क्या, वही आएगा नहीं आएगा, वही आएगा. ठीक है, और बीटा क्या आएगा, आपको. तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन. तो लेट अस राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टेकन एज द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram such that their tails coincide, such that their tails coincide, then the resultant is given by, resultant matlab sum, resultant matlab kya hota hai, sum of the two vectors a and b. The resultant is given by the diagonals passing through the intersection of the two tails, matlab ye wala hai. So then mein aapko, theek hai, so let us take some examples, right, one or two small examples based on this.